हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं दूध पिला रहा हूँ आपको। ये है गाइस कला खाक, जो मेरा घर से सिर्फ 3-4 किलोमीटर। ये तो जब घूमना फिरना होता है समुद्र एरिया वाला फीलिंग को लाना होता है तो हम यहाँ आते हैं। आप भी आ सकते हैं, यहाँ बोटिंग के लिए है, वो बोटिंग भी कर रहे हैं, पिकनिक प्लेस है, सब कुछ है। बस तैर सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। बहुत बड़ा झील है, इसका नाम है केला घाट। मैं तो यही कहूँ, इसीलिए कभी भी जब भी मुझे घूमना फिरना होता है तो मैं आ जाता हूँ। ये ब्रिज है, पार करके आगे जाना होता है। इधर एक नाव ऐसे पड़ा हुआ है, वो भी क्या है भाई, दिलकश जगह है। कभी मौका मिले तो जरूर आइए सिमडेगा केला घाट। पहाड़ी है तो इसके ऊपर भी आप जाओ एकदम चढ़ते हुए। सुकून तो यहाँ इतना है ना भाई, आप सोच भी नहीं सकते। आप आओगे तो ऐसे लगेगा जन्नत में आ गए। दोनों तरफ पहाड़ी, देखो इधर भी पहाड़ है, इस साइड भी है। ये पेड़ के वजह से नहीं दिख रहा होगा, ये इस तरफ भी पहाड़ी है, इस तरफ भी है। देखिए बीच में ये बांध है, पुल है वहां पे, इधर मंदिर है। ये इस साइड में छोटा सा भाई, जो भी कहो आप, अगर इधर आ गए ना तो आपको जाने का दिल नहीं करेगा। मैं तो आता ही रहता हूँ जब भी टाइम मिलता है, इधर ही आता हूँ घूमने फिरने के लिए, मस्ती करने के लिए। पहाड़ी है भाई, चढ़ना बड़ी मुश्किल है। कोई नहीं, ऊपर से कैप्चर करते हैं, मुझे दिखाता हूँ। मैं आया हूँ उधर से, बिल्कुल यहाँ से बीच से। ये है गाइस केला घाट, जो मेरा घर से सिर्फ 3-4 किलोमीटर। समुद्र एरिया वाला फीलिंग
समुद्र एरिया वाला फीलिंग को लाना होता है तो हम यहाँ आते हैं। आप भी आ सकते हैं, यहाँ बोटिंग के लिए है, वो बोटिंग भी कर रहे हैं, पिकनिक प्लेस है, सब कुछ है, बस तैर सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। बहुत बड़ा झील है, उसका नाम है केला घाट। मैं तो यही कहूँ, इसीलिए कभी भी जब भी मुझे घूमना फिरना होता है तो मैं आ जाता हूँ। तो बने रहिए अगले ब्लॉग में।